नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों साल के अंत में हर साल प्याज के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आलू प्याज की कीमत पे भारी उछाल देखने को हर साल मिल जाते हैं। ऐसे में बाजार में प्याज की कीमत और सेब की कीमत लगभग एक समान हो जाती है। भारत में प्याज की खपत भी ज्यादा है। आंकड़ों की माने तो भारत में प्रति हजार व्यक्ति में से 908 लोग प्याज का सेवन करते हैं। करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्याज खाते हैं। इस लिहाज से भारत में प्याज का उत्पादन कम है। प्याज की कीमत साल के इस समय में 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। जहां लोग सेब खाने से पहले सोच विचार जरूर करते थे, वहीं अक्टूबर नवंबर में प्याज की भी वैसी ही हालत हो जाती है। आलम तो ये होता है कि सब्जी में प्याज डाले या नहीं, इस बात पर भी असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि हर साल ऐसा ही होता आया है। हर साल लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में ही प्याज की कीमत में ऐसा उछाल देखने को मिल जाता है और हर बार यह चुनावी मुद्दा भी बन जाता है, जहां सरकार और विपक्ष महंगाई को लेकर एक दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं। हालांकि इसका असर उनकी जेब पर तो नहीं देखने को मिलता, मगर बयानबाजी के क्रम में प्याज के बढ़ते कीमत का खूब मुद्दा बनाया जाता है। प्याज के बढ़ते कीमत के इतिहास पर अगर नजर डालें तो प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल सबसे पहले साल 1980 में देखने को मिला था, जब प्याज आम आदमी की पहुंच से काफी ज्यादा बाहर हो गया था। 1998 में एक बार फिर से प्याज की कीमत आसमान छूने लगी थी, तब भी लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। इस साल तो देश की राजधानी दिल्ली में प्याज राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। हालांकि साल 2010 में भी प्याज की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 3 साल के बाद साल 2013 में प्याज कई जगह तो 150 रुपए तक बिकने लगा था। वहीं साल 2015 में प्याज ने एक बार फिर लोगों की जेब ढीली करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद हर साल लगभग प्याज की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल ही जाती है। हालांकि सब्जियों के राजा आलू भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर देते हैं। आलू के हाव भाव भी इस महीने के आसपास बाजारों में बढ़ जाते हैं। जहां आलू हर रसोई में देखी जाती थी, वहीं आलू के दाम बढ़ने से लोग आलू खाने के लिए भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर साल 2020 की बात करें तो इस साल देश से किसी भी तरह की प्याज के निर्यात पर सरकार ने पहले ही पाबंदी लगा दी थी। वहीं हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर सितंबर महीने से प्याज के दाम में उछाल के पीछे का मुख्य कारण है क्या। आखिर क्या वजह है कि हर साल इसी समय के आसपास प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं और लोगों की रसोई से यह गायब होने लगती है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण जुलाई अगस्त में प्याज उत्पादन वाले राज्यों में होने वाली बारिश और फसल खराब हो जाना है। वैसे तो देश भर में जिस तरह से प्याज की पैदावार होती है, वैसे में इसकी फसल लगातार ही बाजार में उपलब्ध होती रहती है। सितंबर महीने में अक्सर इसकी फसल पर सूखे या बारिश की परेशानी का असर देखने लग जाता है। हालांकि मौसम के आगे किसी की नहीं चलती, बारिश पर नियंत्रण किसी का भी नहीं है, मगर सरकार की हर साल प्याज की कीमत बढ़ने से रोकने के उपाय करने की कोशिश जारी रहती है। प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाता है, प्याज के स्टॉक पर रोक लग जाती है। सरकारी एजेंसियां सस्ते दाम पर प्याज की बिक्री भी करवाती आई है, मगर आम आदमी की परेशानी बढ़ती जाती है। प्याज के व्यापक स्तर पर पैदावार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्याज की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खरीफ के प्याज की उपज बाजार में देखने को मिलती है। लेकिन इन सभी राज्यों में भारी बारिश के चलते 50% फसल खराब हो गई है। साथ ही भारी बारिश ने महाराष्ट्र में प्याज के पुराने स्टॉक की क्वालिटी पर भी असर डाला है, इसलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। अक्सर बारिश और सूखे की वजह से या बाढ़ का असर प्याज की कीमतों पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, प्याज की गैर कानूनी तरीके से हो रही होर्डिंग भी अहम कारण हो सकती है, क्योंकि हर साल त्योहारी सीजन से तुरंत पहले जमाखोर प्याज की जमाखोरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्याज की कीमत में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके साथ ही प्याज के उचित स्टोरेज से उसकी कीमतों पर अंकुश लगाया जा सकता है, मगर भारत में प्याज के भंडारण में दिक्कतें आती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक प्याज में सिर्फ 2% प्याज के भंडारण की ही क्षमता है। लगभग 98% प्याज खुले में ही रखे जाते हैं। बारिश के कारण नमी की वजह से प्याज भी खराब हो जाते हैं। भंडारण की समस्या की वजह से करीब 30-40% प्याज सड़ जाते हैं। प्याज के व्यापक स्तर पर बर्बादी के कारण भी हर साल प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसके बाद प्याज के दामों में बढ़ोतरी होने का ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में
लालस गांव में कहने को देश का सबसे बड़ा मंडी लगता है। हालांकि नए प्याज की फसल नवंबर महीने में बाजार में आती है, महाराष्ट्र में नई फसल सबसे पहले आती है, लेकिन इस बार भी बारिश की मार लोगों के जेब पर पड़ने वाली है। बेमौसम बरसात का प्रभाव सीधा प्याज के दाम पर देखने को मिलता है, जिसका असर लोगों की जेब पर होगा। आपको बता दें, भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में तो ये फसलें नवंबर महीने तक तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ये प्याज इसके आगे पीछे तैयार हो जाती है। प्याज का दूसरा सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, इनकी कटाई जनवरी मार्च में होती है। प्याज की तीसरी फसल रबी की फसल है, इसकी दिसंबर जनवरी में बुआई होती है और फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। आंकड़ों की माने तो प्याज का कुल उत्पादन का 65% रबी सीजन में होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।